अरे भैया दो चिप्स के पैकेट दे देना। अरे वर्षा आगे से ले लो यार, बहुत दुकान है अभी। यहाँ भी तो वही चीज मिलेगी ना जो आगे मिलेगी, तो यहाँ से ले लेती हूँ। ये लीजिए मैडम 20 रुपए। और भाई कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? अरे एकदम बढ़िया, तू इधर कैसे? चलें अब? हाँ चल। बस यहीं पे टहलने आया था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। तू कुछ खाएगा? चाय बना दूं तेरे लिए? नहीं नहीं भाई, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। चल ठीक है। क्या रिद्धि कहाँ रह गई? इतनी धूप में मैं तेरा वेट कर रही हूँ, कितना टाइम लगाएगी? और मैम पेड़ के छांव में आके बैठ जाइए, धूप बहुत तेज है। अरे मैम आप अपने दोस्त का यहाँ बैठ के इंतजार कर लीजिए ना। अच्छा चल, जहाँ से हमने कल चिप्स लिए थे ना वहीं हूँ मैं, वहीं दुकान पे बैठी हूँ, तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जा। वैसे आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अब यूपीएससी की। आपको भी एक सिविल सर्वेंट बनना है? आप भी? हाँ मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। चलो अच्छा है। और आपको पता है इस साल ना मैं मेंस के एग्जाम दूंगी। अब मेरा तो पहला अटेम्प्ट है प्रीलिम्स का, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए वर्षा चले, मेरी फ्रेंड आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा सुनिए। हाँ? अगर आपको नोट्स की जरूरत है ना तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। वो एक्चुअली मेरी कोचिंग के प्रीलिम्स के नोट्स हैं, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी उसमें। हाँ हेल्प तो हो जाएगी, अब बिल्कुल आप मुझे दे दीजिएगा। ओके मैं कल देने आती हूँ। थैंक यू। अरे वो जो यहाँ पे बैठते थे वो कहाँ पे? अच्छा वो तो मेरा दोस्त है, वो बाहर गया है, बस एक घंटे के अंदर आ जाएगा। अच्छा तो ये कुछ नोट्स थे और बुक थी, तो आप उनको दे दोगे? ठीक है मैं दे दूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ। जी अरे थैंक यू भाई, इतनी देर दुकान संभालने के लिए। अरे कोई बात नहीं, वो जो कल लड़की आई थी ना वो आज भी आई थी, तेरे लिए कुछ नोट्स और बुक्स देके गई है। अच्छा कब आई थी? यही कुछ 1-1.5 घंटा पहले। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। चल ठीक है, थैंक यू। मन लगा कर तो तुम पढ़ ही रहे हो, अच्छे से और शांत मन से एग्जाम लिखना, जो भी होगा अच्छा होगा, तुम बस घबराना मत। ये लो भाई, और थोड़ा ठीक ठीक लगाना, ये बहुत महंगी बुक्स हैं। भाई मेरे लिए तो सब रद्दी है, तो रद्दी का ही भाव लगाऊंगा ना। फिर भी तुम ठीक रेट लगाना। वो आपका दोस्त कहाँ पे है? क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली आज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, तो पूछना था क्या रहा उनका। अच्छा वो देखो वहाँ बैठा है, उदास है क्योंकि उसका एग्जाम रह गया ना, और ये सारी किताबें मुझसे रद्दी में बिकवा रहे हैं। ठीक है मैं एक बार बात करके आती हूँ। और क्या चल रहा है? आप? हाँ दुकान पे तो आप मुझे मिले नहीं, तो मैंने सोचा यहीं आ जाती हूँ। उदास हो लगता है। होलो उदास, मैं भी ना ऐसी उदास हुई थी जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था एग्जाम। पता है मुझे भी ऐसी लगा था जब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी के लिए बनी ही नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ। पर फिर मेरे मन में थॉट आया क्यों ना दूसरा अटेम्प्ट किया जाए, जब मैंने इतनी मेहनत की है क्या पता दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। इसलिए फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया और पेपर क्लियर हो गया, और अब मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ।
तो अभी हार मत मानो, एक बार और करके देखो, शायद निकल जाए। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास से चरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो बस जिंदगी में हार नहीं माननी, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे कोई बुक्स नहीं देनी, आप जाइए। ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास से चरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान।